हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे जो नया ट्रेंड चल रहा है, एक ओल्ड एज होम एंड टिकटॉक वीडियो। आप लोगों को सबको पता है, सब भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, तब दूध चढ़ा देते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करके थ्रो टिकटॉक वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस में अपलोड करते हैं। आप सोचिए, ये दूध भगवान को रियल में ज़रूरत होता है क्या? नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। उससे पहले 10 से 15 भगवान ऐसे हमें मिल जाते हैं जिनको वो ज़रूरत है होता है। पहले दो घर में जो पेरेंट्स होते हैं, बूढ़े माँ बाप, उनको ज़रूरत होता है। और जाते समय जो रास्ता में और मंदिर का जो साइड में तो बैठते रहते हैं, जो मांगते हैं, जिनको भूख ज़रूरत लगता है कि वो दूध उनको ज़रूरत है, उनको भी दे सकते थे, लेकिन वो ना करके भगवान को चढ़ा के उसको वीडियो में अपलोड करना पड़ेगा। ये भी चल रहा है। आप सोचिए, जो अभी नया ओल्ड एज होम चल रहा है कोरोना वायरस में, हम पेरेंट्स को स्पेशल केयर करना चाहिए, उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, उनको ओल्ड एज रूम, ओल्ड एज होम भेज देते हैं। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि एक बूढ़ा बाप की कहानी। वो भी जैसे सारे पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए जैसे मेहनत करते, उन्होंने भी किए। बेटा बड़ा हो गया, नौकरी कर लिया, अच्छा शादी भी हो गया, टाइम गुजरता गया। बाप पेरेंट्स का जो बूढ़ा बाप की जो एज था वो 65 क्रॉस हो गया। जैसे बोलते हैं ना, जितना बड़ा होता है उतना दिमाग से बच्चा बन जाता है, वो रियल में होता है, लेकिन वो एज 30-40 में नहीं होता है। एबव 65 हमारा जो लाइफ साइकिल है, जो जर्नी है, वो फिर से बच्चे की तरह आता है। तो 65 होने के बाद उनका भी दिमाग बच्चे जैसा ही बिहेव करना चालू करता है, डिमांड करना, कुछ खाना खाते समय बेड में गिराना। वो हमारा साथ भी कल हमारा साथ भी ये होने वाला है, उनका तो कोई कसर नहीं है। तो ये एटीट्यूड में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे हमारे ये एटीट्यूड को वो प्यार करते थे, लेकिन हम उनका ये एटीट्यूड से परेशान हो जाते हैं। और हमारा फ्रेंड सर्किल, जो फैमिली रिलेटिव वगैरह से हम सलाह लेते हैं, और उन्होंने एक ही सलाह देते हैं कि तुम ले जाओ ओल्ड एज होम में, छोड़ दो। तो वो बेटा भी ऐसे ही किया, डिसाइड किया और लेके गया छोड़ने के लिए। जब वहाँ छोड़ने के बाद देखा कि वो जो ओल्ड एज होम का केयर टेकर था और इनका बाप के अंदर बहुत सारा बातचीत हो रहा था, जैसे कि दोनों सालों से पहले को एक दूसरे पहचानते हैं। तो ये देखकर वो बेटा जो गया परेशान होकर पूछा कि आप क्या मेरे पापा को पहले जानते हो? तो केयर टेकर वाला, हाँ 30 साल पहले यहाँ पे एक आए थे, एक बच्चे को घर लिए थे। ये सुन के वो आदमी का आंख से आंसू निकल गए। खुद ही को वो अडॉप्ट किए थे, लेकिन आप देखिए हम क्या करते हैं। पेरेंट्स हमें अच्छे से पढ़ाना लिखाना, सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या मेहनत करते हैं, बट हम सक्सेसफुल होने के बाद, शादी करने के बाद, उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते हैं। और ओल्ड एज का कहानी आप लोग को सबको पता है। खुद ही भगवान बोलते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा। अगर हम ये टिकटॉक वीडियो के चक्कर छोड़ के मानव सेवा करेंगे तो माधव सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हम ये जीते जागते भगवान को हम सेवा करेंगे तो इनका आशीर्वाद से भगवान, हम जो भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, वो पूरा हो सकता है। अगर हम इनको परेशान करेंगे और उस भगवान को दूध चढ़ाएंगे रियल में, जिसको ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारा जो हम जो मांगने के लिए जाते हैं कभी पूरा होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। जैसे बोलते ना, आज के डेट में मेरा मानना है, जो बच्चा पेरेंट्स का नहीं हो पाया वो किसी का भी नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने उनको ये सलाह दिया होगा, सजेशन दिया होगा, बीबी हो गया, घर वाले हो गए, बाकी जो भी होगा, वो उन्हीं लोग को भी बाद में जाके उसी जैसा ही ट्रीट करेगा। तो जो पेरेंट्स का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता। अगर आप लोग को लग रहा है कि जो आप लोग कर रहे हो, जो ये दुनिया में हो रहा है सही है, तो करते रहिए। अगर ये गलत है, समवन नॉट हेल्प टू एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प टू समवन। अगर आप लोग को लग रहा है ये गलत है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि एटलीस्ट सबका साथ तो चेंज नहीं हो सकता है, एक दो के साथ अगर चेंज हो जाएगा उनका, वो इनडायरेक्टली उनका आशीर्वाद में हम लोग के ऊपर आएगा। इसीलिए असम गवर्नमेंट ने एक अच्छे से रूल बनाया कि जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनका सैलरी उनका पेरेंट्स के अकाउंट में आएगा। इसमें एक किस लिए ये असम गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, ताकि इस तरह सिचुएशन ना बने, पेरेंट्स को ओल्ड एज होम ना भेजा जाए, उनको परेशानी ना किया जाए। कोरोना वायरस में उन लोगों को स्पेशली केयर करना चाहिए। प्लीज अपना पेरेंट्स को ख्याल रखिए, दूसरे के कही हुई बात में आप परेशान मत रहिए और उनको ओल्ड एज रूम मत भेजिए। थैंक यू।